हाँ जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देंगे आपको एक रिवाइंड अपने 2022 का। तो पहले उठते हैं बिस्तर से, उसके बाद देते हैं। तो ये इस साल की हमारी सबसे लास्ट वीडियो है, तो इसे थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। पहले मैंने ये वीडियो शूट कर ली थी, लेकिन फिर मैंने डिलीट कर दी क्योंकि उसमें मज़ा ही नहीं आ रहा था, मुझे खुद मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैं क्या मज़ा आएगा। तो ये हमारी रिवाइंड वीडियो है, शुरू करते हैं अपना जनवरी से दिसंबर तक। 2022 कैसा रहा? तो सबसे पहले बात करेंगे हम जनवरी महीने में। जनवरी महीने में हमने क्या अचीव किया? जनवरी महीने में हमने कुछ अचीव नहीं किया, ना ही तो कुछ किया हमने। हमने ट्रैवल के साथ में अपने साल की शुरुआत की थी जनवरी में, यानी कि पहली तारीख में मैं राजस्थान से अपने घर आ रहा था गाजियाबाद, तो हमने ये किया। उसके बाद जो है जनवरी के महीने में मैंने केवल अपने डॉक्यूमेंटेशन जो थे वो सब कंप्लीट करवाए, जैसे मैंने अपना लाइसेंस बनवाया, अपना पासपोर्ट बनवाया, ये बनवाए क्योंकि मुझे इस साल में ही जाना था इंडिया से बाहर। ओके, उसके बाद फरवरी में ही, मतलब जनवरी फरवरी दो महीने इसमें पूरे चले गए थे क्योंकि ये हमारे सरकारी चीज़ें हैं, सरकारी कामों में लगता है टाइम, एक दिन में कुछ चीज़ नहीं होती है। उसके बाद आती है अगली बारी, वो है हमारे मार्च मंथ की। तो हमारा ये यूट्यूब रिवाइंड है, यूट्यूब रिवाइंड में जो है हम अपना पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों रिवाइंड देंगे। तो अब बात करते हैं मार्च के महीने में। मार्च के महीने में हमने क्या किया? मार्च के महीने में देखिए, हम रहते थे पहले गाजियाबाद में, अभी फिलहाल मैं आगरा में हूँ। तो गाजियाबाद में हम रहते थे, हमने जो अपना मकान था जिसमें मैंने अपना बचपन गुजारा था वो हमने बेच दिया, एंड उसके बाद हमने आके आगरा में प्लॉट ले लिया। ओके, और अगर प्रोफेशनल बात करूँ कि मैंने क्या किया यूट्यूब पे, तो मैंने सबसे पहले अपनी ट्रिप की, एक देश से दूसरे देश जाने की, वो थी नेपाल की ट्रिप। मैं गया नेपाल घूमने के लिए मार्च के महीने में, और मेरी वो जो है बेकार ट्रिप रही हम, लेकिन नेपाल 2.0 जरूर करेंगे जिसमें हम अच्छे तरीके से नेपाल को एक्सप्लोर करेंगे। पाँच दिन के अंदर मैं नेपाल की ट्रिप ख़त्म करके आ गया था वापसी, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। हाँ, तो मैं अगर अप्रैल महीने की बात करूँ, तो अप्रैल महीने में हमने जो अपना घर बेचा था आगरा से, गाजियाबाद से, तो हमें जो है आगरा शिफ्ट होना था क्योंकि आगरा हमारे पापा का और होम टाउन है, यानी कि हमारी मम्मी भी यहीं से रहने वाली हैं आगरा की, और वहाँ हमारा कोई नहीं रहता था। तो इसी वजह से हमने, मेरी पढ़ाई भी कम्प्लीट हो चुकी थी और मेरा काम जो है वो ऑनलाइन हो चुका है, तो मैं तो कहीं से भी कर सकता हूँ, कहीं से भी कमा सकता हूँ, तो इसलिए हमें वहाँ पर रहने की क्या ज़रूरत, जब वहाँ पर हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं मिल रहा, और इस तरीके से रह रहे हैं हम लोग कि मतलब मज़ा नहीं आ रहा था ज़िंदगी में, और पोल्यूशन और हेल्थ भी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो हमने क्या किया, हम आगे आगरा की ओर, और आगरा में आके हमने ले लिया अपना प्लॉट जिस पर जो है अभी काम चल रहा है, वो अभी नहीं दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो हमने अप्रैल में अपना प्लॉट लिया, यही हमारा अप्रैल का पूरा महीना था जिसमें हमारा इधर उधर भागा दौड़ी में ही पूरा महीना निकल गया। ओके, अब बात, तो जैसे कि अप्रैल में हमने अपना मकान बेच दिया था, घर बेच दिया था हमने, और हम आगरा में आ चुके थे। आगरा में आए नहीं थे अभी, आने वाले थे, हमें आगरा में इतनी जल्दी नहीं आना था। हमें क्या कह रहे थे कि हमने कि अभी थोड़ा पैसा थोड़ा सा अपना जोड़ लेते हैं, इसके साथ साथ थोड़ी चीज़ें मेरी क्योंकि एग्ज़ाम रह रहे थे, तो इसलिए हम लोग रुक गए गाज़ियाबाद में ही। तो गाज़ियाबाद में हम ले चार से पाँच महीने और गुजारे, यानी कि हम मई जून जुलाई और अगस्त सितंबर यहाँ पे गुजारने वाले थे, ठीक है। तो मैं कुछ तो कर नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने मई के महीने में जॉब देखना शुरू कर दिया, और मैंने सबसे पहली अपनी जीवन की जॉब की एक कंपनी में, जो कि आईटी कंपनी थी, जिसमें मैंने सेल्स प्रोफाइल में जॉब की। इसमें मैंने 3 महीने काम किया, और 3 महीने कैसे गुजर गए उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। तो मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी उस कंपनी में, वो हुई थी मेरी 23 मई से, और जो मेरी एक्चुअल में जाना शुरू किया वो मैंने जून, पहली जून से स्टार्ट किया मैंने। तो मेरी जून जुलाई अगस्त 3 महीने निकल गए मेरी जॉब में, पता ही नहीं चला कब में 3 महीने मेरे निकल गए। लेकिन मैं जो है एक जगह बैठने में थोड़ा सा वो करता हूँ, मतलब मेरे को बैठने की आदत नहीं है, तो मैंने क्या किया कि जून के महीने तो एक भी लीव नहीं ली मैंने, लेकिन जुलाई के महीने में मैंने ले ली 6 दिन की, यानी कि पूरे वीक की मैंने लीव ले ली अपने लिए, एंड मैं निकला अपने सबसे पहले सफ़र उत्तराखंड के पहाड़ों में, जो कि काफ़ी, मैंने पहली बार इतने ऊंचे पहाड़ देखे थे। मैं निकला बद्रीनाथ और दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारे यानी हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए, और मैं अकेला नहीं गया था इस बार, नमन के साथ में गया था, एंड वो मेरा एक नंबर एक्सपीरियंस रहा 2022 का कहा जाए तो। इतना मज़ा आया मुझे 2022 में, और मेरा जो है साल वसूल हो गया पूरा, कहीं ट्रैवल किया नहीं किया हो क्या हो कहीं ट्रैवल किया हो या नहीं किया हो, लेकिन वहाँ ट्रैवल कर लिया तो मेरा जो है साल वसूल हो गया। दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा देखने में बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, क्या बताएं अब तुम्हें, ठीक है। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, एंड उसके बाद अगर हम बात करें सितंबर में, तो सितंबर में हमने क्या किया, हम लोग गाज़ियाबाद से सारा सामान समेट के हम लोग आ गए
आगरा में। तो आगरा में हम आ गए, तो आगरा में हम करते क्या, तो फिर आगरा में ही ऐसे ही मतलब इधर से उधर चीज़ें हमने पहले सेट की, उसके बाद पूरा महीना इसी चीज़ों में निकल जाता है। और अब बात करते हैं अक्टूबर में हमने क्या, तो अब बात करते हैं अक्टूबर की। देखिए सितंबर में हम आ चुके थे, सितंबर में आगरा आ चुके थे, तो मैं कहीं जॉब तो कर नहीं रहा था ना ही तो कुछ काम कर रहा था, यूट्यूब से इतने पैसे भी नहीं आ रहे थे, तो 1 महीना तो हमारा कट गया। लेकिन फिर मैंने सोचा यार ना तो वीडियो बना रहा ना कुछ कर रहा, पड़े पड़े करूँ क्या, तो मैं निकल गया दोबारा वापस गाजियाबाद के लिए। लेकिन सितंबर में एक चीज़ हुई, हमने ली अपने जीवन की सबसे पहली बाइक, जो कि हम वीडियो बना चुके हैं उसके बारे में। हीरो एचएफ डीलक्स हमने सबसे पहली बाइक ली हमने, जो कि हमने ली 27 सितंबर में, एंड उसको तो नंबर पर सब कुछ आ चुका है, तो वो ली हमने। और अक्टूबर में हम यानी कि मैं अकेला निकल गया गाज़ियाबाद में, और ट्राई करने के लिए जोमेटो कि जोमेटो में कितनी कमाई होती है सब चीज़ें, मतलब सोचा था वीडियो बनाऊंगा अच्छी तरीके से, लेकिन मेरी जो है मज़ा नहीं आया मुझे, क्योंकि मैंने पहले फील्ड में इस तरीके से काम नहीं किया था, तो वो मुझे छोड़ना पड़ा। एंड अक्टूबर का महीना आधे से ज़्यादा ऐसे निकल गया, और कुछ वीडियो डालने में निकल गया, एंड उसके साथ साथ एक सैड चीज़ हुई, वो मैं नहीं बताना चाहता, वो सब जानते हैं, सब लोंडे जानते हैं कि लोंडो नेवर फॉल इन टू द लव। ओके, सो जिंदगी बर्बाद हो जाती है अगर तुम किसी लड़की के पीछे भागोगे और लड़की तुम्हारा अगर दिल तोड़ देती है, तो फिर तुम एक डिप्रेस हो सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी फीलिंग ना समझे। और कुछ होते हैं, मतलब ऐसा होता है कि लड़कियाँ फक बॉयज़ की फीलिंग को समझ लेती हैं, लेकिन एक जेनुअन बंदा अगर कोई अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है तो उसकी फीलिंग को ना ही समझे, ऐसा हो जाता है। तो हमारी फीलिंग के साथ में वही हुआ, हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते, जैसे जो बीत गया इस चीज़ के बारे में डिस्कस मुझे नहीं करना, क्योंकि इसकी वजह से मेरा पूरा एक महीना ख़राब हुआ। दूसरी चीज़, मुझे जो इमोशनली हर्ट हुआ वो भी हुआ, एंड अब मैं समझ गया कि यार देखो किसी के पीछे इतना भागोगे तो समय तो बर्बाद होता ही है, खैर, और तुम्हारा जो इमोशनली इमोशनल लेवल पर जो नुकसान होता है वो अलग होता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा जो है हम इन सब चीज़ों के पीछे ना ही भागेंगे, एंड थोड़ा अपने काम पे पहले फोकस कर लेंगे, उसके बाद जिसको आना है वो खुद आएगा, ठीक है, ना कि हमारे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हमें छोड़ के जाएगा, इसलिए आई क्विट। अगर बात करूँ नवंबर की, तो नवंबर में हमने कुछ नहीं किया, नवंबर में हमने अपनी दुकान खोली, सबसे पहले हमने अपनी दुकान खोली, जिसके बारे में आप देख सकते हैं, ये हमने पचौरी एंटरप्राइज दुकान खोली, लेकिन इसमें भी मुझे थोड़ा मज़ा नहीं आया, और ये भी मैंने कर दी बंद। और अब बात करते हैं दिसंबर में, दिसंबर मैंने क्या किया, दिसंबर मैंने प्लान्स बनाए कि अपना ये साल खराब गया तो गया, मैंने सारी चीज़ को रिवाइज किया, रिवाइंड किया, मैंने दिसंबर की शुरुआत में रिवाइंड कर लिया था कि मैंने साल में पूरे साल किया तो किया क्या आखिर। ओके, उसके बाद जो है मैंने अपना एक नया चैनल स्टार्ट किया, जो है एफएल विद पचौरी, उसमें मैं एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। इसके साथ साथ हमने एक इंग्लिश चैनल भी बनाया, जिसके बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि वो हमारा सीक्रेट चैनल है भाई, इससे पैसे चाहिए हमें। ओके, क्योंकि ट्रैवल करना है तो पैसे तो चाहिएंगे, तो इससे जो है उससे पैसे आएंगे, इस चैनल पे हम लगाएंगे, तो हमारे 2023 के बहुत तगड़े प्लान हैं। तो अगर आप छोड़ने के जाने की सोच रहे हो, छोड़ कर मत जाइएगा, हमारे साथ में बने रहिएगा। ओके, इस रिवाइंड में मैंने अपने पर्सनल रिवाइंड दे दिए, यानी पर्सनल चीज़ों के बारे में बता दिया, लेकिन मैंने प्रोफेशनली बताया कि मैंने यूट्यूब पर क्या क्या उखाड़ा। तो बात करते हैं यूट्यूब पर क्या क्या उखाड़ा मैंने। देखिए सबसे पहले 10,000 सब्सक्राइबर मैंने इसी साल कंप्लीट किए, एंड सबसे पहले 25,000 सब्सक्राइबर भी इसी साल कंप्लीट किए। वो 25,000 एक साल के अंदर क्यों हुए, इसका रीज़न यही है कि मैं इनकंसिस्टेंट था, मैंने वीडियोस ज़्यादा नहीं डाली इस चैनल पर। अब जो है अगले साल हम ज़्यादा वीडियो डालेंगे, ज़्यादा रेगुलर रहेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि जो मैंने डाला उसमें इतनी क्वालिटी नहीं थी कि सब्सक्राइबर बढ़ें और लोग जुड़े मुझसे, तो क्वांटिटी तो डाली लेकिन क्वांटिटी में भी कचड़ा था वो, ठीक है। तो अगले साल हम क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी को मेंटेन करते हुए इस चैनल के साथ में प्रोफेशनली काम करेंगे और अच्छा अच्छा कंटेंट डालेंगे, तो हमारे होप करते हैं 1,00,000 भी सब्सक्राइबर अगले साल कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, एंड और प्रोफेशनली में और सब चीज़ें की बात की है कि मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी, तो मैंने अपना एक फ़ोन ख़रीदा सबसे पहला, मैंने अपना सबसे पहला लैपटॉप ख़रीदा, और मैंने जो है अपनी सबसे पहली बाइक खरीदी, तो ये खरीदी। और अगर बात की जाए पैसा कितना कमाया मैंने इस साल 2022 के अंदर, तो पैसा मैंने कमाया यूट्यूब से कमाया करीब 92,000 रुपये, 92,000-93,000 रुपये, एंड अगर जॉब से करूँ तो जॉब से मैंने कमाए 45,000 रुपये, तो करीब मैंने 1,50,000 रुपये एक साल के अंदर कमाए मैंने। मैंने केवल जॉब 3 महीने की, लेकिन मैंने कमाया खूब, ठीक है। और मैंने गवाया अभी मैं जो हूँ लोन में हूँ, मेरा अकाउंट देखोगे तो 0 है, एंड मेरे कुछ नए रेजोल्यूशन है जिसके बारे में हमने एक वीडियो बना ली है, उस वीडियो को हमने शेड्यूल कर दिया है अपना 31 दिसंबर 2023 के लिए,
क्योंकि रेजुलेशन हम बना लेते हैं, स्टार्टिंग में वीडियो डाल देते हैं, लेकिन फिर हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। वो वीडियो जो है तभी पब्लिक होगी जब मैं अपने 2023 के रेजुलेशन को कंप्लीट कर लूँगा, इसलिए मैंने इस वीडियो को अब बना के अपने आगे के लिए शेड्यूल कर दी है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये था हमारा यूट्यूब रिवाइंड, पसंद आया हो, कैसा लगा हमारा यहाँ नया वाला स्टाइल, फास्ट पेज हम ब्लॉगिंग करें या ना करें वो कमेंट बताइएगा। ओके मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, बाय बाय एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अगला साल एक नंबर जाना चाहिए आपका। और देखिए ये बात तो है, साल बदलने से किस्मत नहीं बदलती, लेकिन एक दिन करेंगे तो एक दिन जरूर बदल जाएगी। ओके इसी के साथ इसी वीडियो करते हैं खत्म।